साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, ये पुकार है उस प्राणेश्वर अक्षर अतीत की जो परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए हैं। कितना प्रेम भरा संबोधन है, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। पहले चरण में कहा साथ जी जागिए, ये शब्द किसके हैं? जो आखिरत का समय है। आखिरत का समय का तात्पर्य क्या है? पुराण संहिता में कहा गया है कि परम धाम की आत्माएं जब मोह के सागर में डूब जाएंगी, अगाध अज्ञान जलधव पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा अमदो ममज्ज पुरुषोत्तम है। पतित कहा गया है, पतित किसको कहते हैं? जो राह से भटक गया होता है। अज्ञानता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी, पतित हो जाएंगी, सच्चिदानंद परब्रह्म जो कृपा के सागर हैं, वे अपने तारतम वाणी के ज्ञान रूपी सागर में स्नान करके उनको पवित्र करेंगे। यदि आपको पवित्र होना है तो क्या करना पड़ेगा? तारतम वाणी के रस में नहाना पड़ेगा। नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। देखिए, ज्ञान से क्या लाभ है? बुद्धि जाने शुद्ध्यति, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि का कार्य क्या है? विवेचना करना। एक सामान्य व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, लेकिन उसको ज्ञान का प्रकाश मिल जाए कि ये पाप कर्म है और इन पाप कर्मों के बदले दंड मिलना है, तो उसकी बुद्धि कभी भी ये कार्य करने की स्वीकृति नहीं देगी। जब तक बुद्धि में विवेचना नहीं होती, चित्त के संस्कार उभरते नहीं है। जैसे भैंस के सामने आप मांस रख दीजिए तो उसकी बुद्धि में ये बात आनी ही नहीं है कि हमको इसको खाना है, और शेर के सामने घास रख दीजिए तो शेर कभी नहीं सोचेगा कि मुझे इस घास को खाना है, क्योंकि उसके पूर्व में जैसा संस्कार है, अहम भाव है। शेर क्या सोच, शेर का जीव सोचेगा कि मैं शेर हूं, वो घास खाने का विचार ही नहीं ले सकता, और भैंस कभी मांस खाने का विचार नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जीव क्या अंग कर रहा है? मैं भैंस हूं। आप परम धाम की ब्रह्मात्मा है, आपका आचरण संसार के जीवों से अलग होना चाहिए। इसलिए ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान आपकी बुद्धि को परिमार्जित करेगा। बुद्धि जाने न शुद्ध्यति, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। जल से क्या होगा? अद्वि गात्राण शुद्ध्यन्ति, आप स्नान करते हैं तो सतोगुण की मात्रा कुछ शरीर में जाती है, पानी पीते हैं तो सतोगुण की मात्रा जाती है, तो सात्विकता होती है, मन पवित्र सा लगता है। आप कई दिन स्नान न कीजिए तो मन खिन्न सा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो शरीर में गंदगी रहती है किसी न किसी रूप में, मलाशय में, आंतों में, वह तमोगुण को पैदा करती रहती है, दुर्गंध जहां से निकलती है। जितने दुर्गंधित पदार्थ हैं सभी तामसिक माने गए हैं। शराब देखिए, उसमें से दुर्गंध आती है, मांस देखिए उससे दुर्गंध आती है। लहसुन प्याज औषधि के दृष्टि ठीक है, यदि औषधि के रूप में कोई रोग है उससे रोग निवृत्ति होती है तो इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन दुर्गंध उसमें होती है और इससे मनुष्य की बुद्धि में तमोगुण पैदा होता है। अभी कुछ दिन पहले जैनपीठ में एक बहुत बड़े महात्मा जी आए थे, वो ये आयुर्वेद के अच्छे जाता है, वे बता रहे थे कि प्याज में बहुत अधिक गुण हैं, औषधि गुण, लेकिन एक दोष होता है कि 25 वर्ष से कम उम्र का यदि व्यक्ति खाता है कच्ची प्याज तो उसके मस्तिष्क के सेल्स समाप्त होने लगते हैं, बुद्धि कमजोर हो जाएगी। हाँ, यदि उसको भून करके खाया जाए तो कम नुकसान होगा, लेकिन कच्चा प्याज खाने वाले को मस्तिष्क के सेल्स कमजोर होते हैं। इसलिए कोई भी गुरुकुलों में या
किसी ब्रह्मचारी साधु महात्मा जो उसका सेवन नहीं करते हैं। तामसिक आहार किसी न किसी रूप में मनुष्य को उत्तेजित करता है। जैसे कई दिन स्नान नहीं करेंगे तो आपके शरीर से ही बदबू आने लगती है। मई जून का महीना है, उमस हो रही है, नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, कपड़े से दुर्गंध आएगी, शरीर से दुर्गंध। दुर्गंध किसी भी स्थिति में हानिकारक होती है। लोग स्नान करते हैं, अतभी गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यत, सत्य का आचरण करेंगे तो क्या होगा, मन शुद्ध होगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि जनेन शुद्ध, आपके पास विद्या है, तप है, तप किसको कहते हैं, मन में बुरे विचारों को न सोचना और इंद्रियों से बुरे कार्य न करना तप है। आग तपने से कोई तपस्वी नहीं होता है। आप मन से बुरे विचारों को न सोचिए, वाणी से बुरे विचार न लाइए और आचरण से कभी बुरे कर्म न कीजिए, यह क्या है, वाणी का तप है। शरीर का तप क्या है, शरीर से शुभ कार्य करते रहिए, यह शरीर का तप है। मन का तप है, मन को विषयों में न जाने देना। वाणी का तप है, अनुद्वेग कर्म सत्यम प्रेहितम च, ऐसी वाणी बोलिए जिससे किसी का हृदय न दुखे, यह है मन का तप। संसार इन सबको करता रहा लेकिन कोई जागृत नहीं हो पाया। आज से लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने कहा था, उत्तिष्ठात प्राप्त बरानी बोधि, उठो जगो परम तत्व को प्राप्त करो। आप यहां इतने सुंदर साथ बैठे हैं, एक शिकायत मेरी रहेगी कि देखिए मैं कल के कार्यक्रम में था, केवल उस रास्ते से गुजरना था पिपलोद में, तो आपसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी केवल आधे घंटे के प्रवचन के लिए। और इस शिविर की इतनी दिन से तैयारी की जा रही है लेकिन खेड़ा में इतनी संख्या क्यों नहीं होती। दाहोद का सुंदर साथ बड़ी बड़ी भीड़ लगा देता है, इसका अर्थ यह है कि धमाकों के प्रभाव से यहाँ जागने का प्रवाह बहुत कम है। मैंने खेड़ा में जितने शिविर देखे हैं, शुरू के दो दिन बहुत, तीन दिन संख्या कम होती है, चौथे पांचवें दिन ज्यादा होती है। सब सुंदर साथ सोचते हैं कि केवल प्रसाद खाने से हमारी आत्मा जागृत होगी। प्रसाद तो आप घर पर प्रतिदिन खाते हैं, ब्रह्मवाणी का ज्ञान रूपी प्रसाद, इससे बड़ा प्रसाद कुछ नहीं है। ये त्रिदेव को भी अप्राप्य है। अक्षरातीत के हृदय से जो वाणी का प्रवाह बहा है, उस वाणी को आप आत्मसात करेंगे, उनके प्रेम में डूबेंगे तो आपकी आत्मा जागृत होगी। एक मंच छोटा है और वो भी पूरा भरा नहीं है, तो ये बहुत कष्टकारी है। दाहोद के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि मंच कहीं खाली रहता हो। और खेड़ा में जागने का प्रवाह चला, सरकार से यहाँ आए थे, मैं देख रहा हूँ लगभग 28 वर्षों से तो मैं भी आ रहा हूँ। 28 वर्षों में तो बहुत कुछ हो जाता है, समाज में क्रांति की आवश्यकता है, हम जगे। सोते सोते रहेंगे तो क्या होगा, प्रकाश हिंदुस्तानी में एक प्रसंग आता है, जागता नव चाले चोर। जब व्यक्ति जागृत होता है तो चोर उसका सामान नहीं चुरा सकता। मायाई किधा चोर, जैसे चोर हम सोए रहते हैं तो चोर हमारे घर की कीमती वस्तुओं को उठा ले जाता है, वैसे ही माया ने क्या किया है, हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल दिया है कि हमें माया के ही संसार केवल दिख रहा है। हमारा शरीर किसका बना है, माया का, दिख कौन रहा है, ना हमें अपनी आत्मा दिखाई दे रही है, न जीव दिखाई दे रहा है, केवल पांच तत्वों से बना हुआ यह शरीर दिख रहा है। हम इस शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, अच्छे भवनों में रखते हैं, इसकी पांचों इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और पांचों इंद्रियों को तृप्त करने में हमारा बचपन से बुढ़ापा तक चला जाता है। कब हम बचपन में थे, कब जवान हुए, कब बूढ़े हो गए, जब 70 वर्ष की अवस्था आ जाती है तो लगता है कि हम किसी भी क्षण इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, वाणी कहती है कि पंथ हुए कोटकलप प्रेम पहुंचाए मीने पलक, एक पल में हमारी आत्मा जागृत हो सकती है,
प्रेम के बल पर। लेकिन हमारी उम्र सारी गुजर जाती है, 60-70 साल के हो जाते हैं, 75 साल के हो जाते हैं, फिर भी आपने अभी तक में सुना है श्री जी क्या कहते हैं, कबलो कांसा कूटेगा। जयराम कंसारा को कितनी फटकार लगाई थी। सुंदर साथ, जब तक वाणी के चिंतन में नहीं लगेगा, वाणी के शब्दों को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर प्रेरणा कहां से आएगी कि हमें जागने के लिए प्रयास करना है। आप चौपाई सुन रहे हैं, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर। आखिरत के शब्द का तात्पर्य क्या है? वक्त आखिरत, क्यामत का समय, जिसमें विजय अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को प्रकटना है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के चरण कमल इस संसार में पड़े, परम धाम का अलौकिक ज्ञान लेकर आए, ताकि परम धाम की आत्माएं उसको सुने और माया से अपना ध्यान हटाने। माया से ध्यान हटाने का तात्पर्य क्या है? हमारी आंखें माया के पदार्थों को देखकर माया के वशीभूत होती है। सबका चिंतन क्या चलता है? मैं और मेरे का, जबकि दोनों झूठे हैं। जो जीव सोचता है कि मैं हूं, यह भी अज्ञान का मूलक है, वो तो स्वप्नवत है। मेरा, मेरा घर, मेरा तन, मेरे रिश्ते नाते, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा समाज, ये कौन सोचता है? अज्ञान दशा में। जब आप पैदा हुए थे तो आप खुद नहीं जानते कि आप कहां थे, न तो आप किसी के पुत्र हैं, न किसी के पिता हैं, लेकिन आप संसार में व्यवहारिक रूप में पुत्र भी हैं, पिता भी हैं, आप इसको मना नहीं कर सकते। लेकिन जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो यह तब आपको पता चलेगा कि आप जिसको पुत्र मानते हैं, आप उसके पिता भी रह चुके हैं, आप खुद उसके पुत्र रह चुके हैं। जिसको आप पिता मानते हैं, वह आपका पुत्र रह चुका है। हो सकता है आप पूर्व जन्म में आप एक दूसरे के शत्रु भी रहो। जैसे एक वेदांत के ग्रंथ में एक वाक्य कहा जाता है, आकाशात पततो वारे सागरम अधिगच्छत। आकाश से, बादलों से गिरा हुआ जल समुद्र में मिल जाता है, उसका अस्तित्व क्या है? एक समुद्र है मोह सागर का, एक समुद्र है ब्रह्मानंद का। मोह के सागर में न जाने कितनी पानी की बूंदें वर्षा की गिरती हैं, कुछ पता नहीं रहता, कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बूंद का क्या अस्तित्व, वो लहरों के रूप में उछलती है, पुनः सागर में मिल जाती है। उसी तरह से एक प्राणी अपने सिर पर, अपने चित्त में वासना के बोझ को ढोता हुआ, तृष्णाओं के जाल में फंसा हुआ, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी कीड़े मकोड़ों की योनि में जाता है। वो स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जागने का तात्पर्य क्या है? हम जग जाएं, अपने स्वरूप को जाने कि मैं पांच इंद्रियों वाला नहीं हूं। ये पांच इंद्रियों का, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय का जो शरीर है, त्रिगुणात्मक शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं मन चित बुद्धि अहंकार भी नहीं हूं, मैं पंचकोश भी नहीं हूं, मैं क्या हूं? शुद्ध बुद्ध चेतना हूं। और वो चेतना कहां से प्रकट हुई है? आदि नारायण की चेतना से। आदि नारायण की चेतना कहां से प्रकटी है? अक्षर के मन अव्याकृत का स्वप्निक स्वरूप है। मूल जो आदि नारायण का स्वरूप है, वो तो सुमंगला पुरुष है, अव्याकृत का महाकार है। जैसे आप यहां खेड़ा जिला में सो गए अपने घर पर, और स्वयं को कहां देखने लगते हैं कि दिल्ली गए हैं, किसी से मार्केट में घूम रहे हैं, किसी ने आपको एक चांटा मार दिया, आप उठ जाते हैं, तो आपको याद रहती है ये बात कि मैं सपने में दिल्ली गया था, वास्तव में आप सो कहां रहे थे? यही खेड़ा जिले में। वही कहानी है, अक्षर का मन जब त्रिगुणात्मक जगत की रचना का विचार करता है तो इसको क्या कहते हैं? स्वप्न देखना। रचना कैसे होगी? माया से, अपनी ही संकल्प शक्ति से, जो त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मिका सत रज तम की मोहमयी जगत की उत्पत्ति करते हैं। उस कारण प्रकृति मोह में उनका मन प्रवेश करता है, इसको कहते हैं मोह सागर में अक्षर के मन का प्रवेश करना, सपना देखना। वह बनता है नारायण, और नारायण का संकल्प होता है मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं, आकाश
प्रकट होता है, वायु प्रकट होती है, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्राणियों के स्वरूप प्रकट होते हैं। मनुष्य इन्हीं तनों को धारण करता हुआ विषयों का सेवन करने लगता है। यही तो संसार है। जो नहीं था वो दिख रहा है, और परमात्मा है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो दुनिया कहती है परमात्मा को किसने देखा है? जानते हैं संसार में नास्तिकों की संख्या कितनी है? जो पूर्णतया नास्तिक हैं उनकी संख्या 1-2 करोड़ नहीं है, कम से कम 60 करोड़ से ऊपर ही होगी। जो कहते हैं कि न परमात्मा है न आत्मा है, और जो आत्मा परमात्मा को मानते हैं उनमें भी सच्चे आस्तिक बहुत कम है। आस्तिक किसको कहते हैं? जो किसी भी बुरे कार्य को करने में डरे, उसको लगे कि परमात्मा मुझे देख रहा है। कई जगह देश में सुना जाता है देवी देवताओं के जो मंदिर होते हैं उसमें से चोरी हो जाया करती है, और चोरी में सहभागी कौन होते हैं? खुद पुजारी भी शामिल रहते हैं, महंत भी शामिल रहते हैं, कहीं कहीं ट्रस्ट के लोग भी शामिल होते हैं। पूजा जिसकी की जा रही है, जिस भगवान की पूजा कर रही है, पुजारी समझता है कि ये तो मूर्ति है, एक हार का कोई एक हिस्सा चुरा लेने में क्या नुकसान है, क्योंकि वो सोचता है कि थोड़े भगवान देख रहे हैं, भगवान तो कहीं और है। लेकिन यदि कोई यह सोचता है कि हर पल मेरे कार्यों को देख रहा है, वो सच्चा आस्तिक है। वो मंदिर में जाए चाहे ना जाए, वो पूजा पाठ करे चाहे ना करे, जो इस धारणा को मानता है कि परमात्मा की शक्ति सर्वत्र है, मैं हिमालय की गुफा में कोई गलत कार्य करूंगा, किसी भयानक वन में काम करूंगा, लेकिन परमात्मा मुझे देख रहा है, वो सबसे बड़ा आस्तिक है। और इस तरह के आस्तिक लोग मैं समझता हूँ 5-10% से ज्यादा नहीं होते। आप सोचिए, ये माया का संसार, पहले तो ये संसार परमात्मा को मानता है नहीं। मैंने कहा 7 अरब की जनसंख्या में संभव है 1 अरब तो नास्तिक कम से कम होंगे, मैं अभी कम संख्या कर रहा हूँ, जो सीधे मना कर देते हैं। आज देखिए विपश्यना का बहुत प्रचार है, ये लोग ध्यान करते हैं लेकिन सीधे कह देते हैं न हम आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते। ऐसी माया की दुनिया में आप आए हैं जिसका एक ही लक्ष्य है भौतिक सुखों की प्राप्ति। आंखें रूप देखती हैं, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, जीवा स्वाद लेना चाहती है, नासिका सुगंध चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं, पांचों इंद्रियां पांचों विषयों की तरफ भाग रही है। मनुष्य भी इनके पीछे भागना शुरू कर देता है। हम किसके अधीन है? मन के। हम विषयों का सेवन क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति मांस खाता है, कोई शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है, क्यों? जैसे आपका खेड़ा जिला तो बहुत प्रसिद्ध है तंबाकू पैदा करने में। तंबाकू में क्या स्वाद होता है? कोई स्वाद नहीं, न खट्टा लगता है, न मीठा लगता है, न नमकीन लगता है, एक नशा है। लेकिन मनुष्य तंबाकू खाने का जब आदि बन जाता है, जिससे दुश्मनी होगी उससे नहीं मांग सकता, तो दूसरे से कह देगा कि उनके पास से तंबाकू मांग लो। स्वयं हाथ नहीं फैला सकता कि वो दुश्मन है, लेकिन तंबाकू के नशे ने उसको व्याकुल कर दिया है। मनुष्य माया में जीवन भर दुखी होता है। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, आपको तो एक राज्य का आसरा रहता है, लेकिन संसार में आप जाइए, संसार में कहीं भी जाइए, संसार कितना भटक रहा है। आप विदेशों में जाइए, खूब सुख सुविधा है, अच्छे भवन है, अच्छी सड़कें हैं, पैसा है, लेकिन किसी के पास शांति नहीं है। शांति कहां मिलेगी? केवल सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में। लोग दुखी क्यों हैं? धन है, वैभव है, यौवन है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है। दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। सुख कहां है? सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में। लेकिन जब तक आत्मबोध न हो जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, तब तक सुख कहां से मिल सकता है। इसलिए सारा संसार इसी अज्ञान के निद्रा में सो रहा था। अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, आपने कलश की वाणी पढ़ी है, उसमें एक प्रकरण ही आए
खेल के मोहरों का प्रकरण। इस खेल के मोहरे कौन है उस प्रकरण में बताया गया है। कोई रोता है, कोई हंसता है, किसी के घर विवाह होता है तो गाते बजाते लोग हैं, कहीं मातम होता है लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं, कोई ज्ञानार्जन कर रहा है, कोई धन उपार्जन कर रहा है, सब लगे हुए हैं। जैसे पशु पक्षी सूरज उगते ही अपने कार्य में लग जाते हैं। आप बंदरों को देखिए, जहां पूर्व में उजाला फैलता है बंदर वृक्षों पर कूदना शुरू कर देते हैं। सवेरे से लेकर रात्रि तक क्या करते हैं, एक वृक्ष की डाली से दूसरे वृक्ष की डाली पर कूदना, फांदना, खाना। ये भोजन करते हैं, निद्रा का सेवन करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, इसके अतिरिक्त और क्या करते हैं। 7 अरब की जनसंख्या है और 7 अरब की जनसंख्या में क्या 1 करोड़ भी ऐसे मिल जाएंगे जो सच्चे हृदय से परमात्मा को पाना चाहेंगे? कठिन है कहना। शरीयत का पालन करने वाले तो अरबों मिल जाएंगे, मंदिरों में नमाज पढ़ने वाले मिल जाएंगे, मस्जिदों में मिल जाएंगे, तीर्थों में मिल जाएंगे, लेकिन जिनके हृदय में परमात्मा की तड़प हो वो कोई कोई होता है। नचिकेता के भी मन में ऐसी ही बात हुई कि मैं यमाचार्य से पूछूं कि जीवन और मृत्यु का रस क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। यमाचार्य कहते कि नचिकेता, पहले तो यह ज्ञान कोई पूछना ही नहीं चाहता, मैं बताने के लिए तैयार हूं तो कोई इसका श्रोता वक्ता श्रोता चतुर लगा, न इसको कहने वाला मिलता है न सुनने वाला मिलता है, और जो सुनाने वाला सच्चा मिल जाए और सुनने वाला भी कोई मिल जाए तो हजारों सुनने वालों में कोई एक इस तत्व को यथार्थ रूप से ग्रहण कर पाता है। जैसे आप सुंदर साथ इतने बैठे हैं, मैं आपसे कहूं कि क्या आप प्रतिज्ञा करेंगे कि प्रतिदिन 2 घंटा चितवनी करनी है? सभी तैयार नहीं होंगे, कहेंगे कि 1 घंटा हो जाए तो अच्छा रहेगा। 1 घंटे में से भी कुछ सुंदर सा चाहेंगे कि आधे घंटे में काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जीव लाखों जन्मों से माया के सुखों का आदि हो चुका है। जब इसको कहा जाता है कि जिसको तुम सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं है, वो कहीं ना कहीं दुख का रूप है। आप देखिए भर्तृहरि ने एक श्लोक में बहुत अच्छी बात कही है, भोगे रोग भयम्। आपको संसार के अधिक भोग की वस्तुएं दे दी जाए, आपको बहुत अधिक धन दे दिया जाए, सुख सुविधाएं दी जाए, आप विषयों का सेवन करेंगे तो क्या करेंगे, आपका शरीर रोगी हो जाएगा। भोगे रोग भयम कुले चित्त भयम्। आपका जन्म किसी ऊंचे खानदान में हो जाए तो हमेशा भय लगा रहेगा कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, नहीं तो समाज मुझे अलग कर देगा। वित्तीय निर्पात भयम्। आपके पास धन हो जाए तो क्या सोचेंगे, कहीं इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए या चोर चोरी ना कर ले। आपको सुंदर रूप मिल जाता है तो भय लगा रहता है कि मैं बुढ़ापे का शिकार ना हो जाऊं। कुछ भी मिलेगा तो संसार में भय ही भय बना रहेगा। एक अभय पद क्या है, जिसको सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं वो हमेशा निर्भय रहता है। वो बुढ़ापा भी आएगा तो उसको भय नहीं लगेगा बुढ़ापे से, मृत्यु भी आएगी तो उसको भय नहीं लगेगा। उसको पता है कि मेरा ये शरीर छूटेगा, मेरी आत्मा इस बंधन में थी, अब वो अखंड विहार में डूब जाएगी, पल पल परमात्मा की सानिध्य का प्राप्त करेगी। जिस मौत से संसार का व्यक्ति डरता है, ब्रह्मज्ञानी उस मौत को देख करके हंसता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये तो शरीर है, कच्चा घड़ा है, कभी भी टूट सकता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। अक्षरातीत आए हैं संसार में परम धाम की आत्माओं को प्रबोधित करने के लिए, और वे कह रहे हैं साथ जी जागिए सुन के शब्द अंकित, सकल अवध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निजगर। सकल अवध अंग साज के, आपके सभी हथियार क्या है? माया के हथियार आपने सुने हैं,
एना अवध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। एना अवध अमृत, अमृत के समान मीठे लगते हैं रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मैंने अभी आपको बताया पांचों इंद्रियों के जो पांच विषय हैं जीव को क्या लगते हैं, अमृत के समान लगते हैं। मनुष्य मनुष्य का कत्ल क्यों कर देता है, धन के पीछे ही तो कत्ल करता है। मनुष्य मनुष्य को गोली मारता है, जहर देकर मारता है, किस लिए? उसको बैर क्यों होता है, धन के पीछे लड़ाई करता है। जर जोरू और जमीन तीन के लिए लड़ाइयां होती हैं, धन के लिए, स्त्री के लिए और जमीन के लिए। ये सीमाओं पर इतनी सेना क्यों खड़ी करनी पड़ती है, गाजा में क्या हो रहा है, जमीन के लिए तो लड़ाई चल रही है। कितने लोग मारे गए रसिया यूक्रेन में, किस लिए लड़ाई चल रही है, केवल जमीन की लड़ाई चल रही है। जर जोरू और जमीन, धन धरती और स्त्री के लिए लड़ाइयां होती है। मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा होता है, खून की नदियां बह जाती है। सकल अवध अंग साज के माया के जो हथियार हैं, अमृत के समान पांचों इंद्रियों के जो पांच विषय हैं, ये माया के सबसे बड़े हथियार हैं जो जीव को सम्मोहित कर लेते हैं। मनुष्य तीन चीजें चाहता है, हर प्राणी तीन चीजें चाहता है, प्रेम चाहता है, शांति चाहता है और आनंद चाहता है। और तीनों चीजें इस संसार में नहीं है जो मिल जाए, केवल एक छलावा है। छलावा कैसा, इसी को वेदांत की भाषा में क्या कहते हैं, मृग तृष्णा। जैसे किसी रेगिस्तान में हिरण जब फंस जाता है, धूप उगी होती है तो वह देखता है कि दूर पानी का तालाब है। जब वो भाग करके जाता है तो वहां पानी तो कुछ नहीं दिखता, बालू ही दिखाई देती है। पुनः दूर उसको बालू पर चमकती हुई धूप जलाशय के रूप में दिखाई देती है, भाग करके वहां भी जाता है तो वहां भी केवल बालू ही देखने को मिलती है। और प्यास से तड़प तड़प कर रेगिस्तान में वो अपने प्राण छोड़ देता है। उसी तरह से ये सारा संसार क्या है, मृग तृष्णा के जल के समान है। मनुष्य इसमें सुख चाहता है, किससे, विषयों से। विषयों में सुख नहीं है, एक तृष्णा है, और उसी तृष्णा के पीछे मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। पुनः उसी तृष्णा की आस में कि इस जन्म में इस तृष्णा को पूरी नहीं किया तो अगले जन्म में पूरा करूंगा। मांसाहारियों को देखिए, शराबियों को देखिए, मरते समय भी उनकी तृष्णा रहती है कि अब तो मैं मरने वाला हूं, एक बार और मिल जाए। यहां जो एक बार शब्द है कभी नहीं समाप्त होता, एक बार और, एक बार और, ऐसा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। कितने जन्म मनुष्य गंवा देता है लेकिन कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए अमृत क्या है, केवल परमात्मा है। तमेव विदित्वात् मृत्युम् इति नान्य पंथा विद्यते न, उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण के चक्र से छूटने का कोई मार्ग नहीं। ऋषियों ने प्रार्थना की है, मृत्योर माम अमृतम गमे, मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चलो। अमरत्व तो नहीं है संसार में, संसार में क्या है, दुख ही दुख है। एना आउद अमृत रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, क्या है, अमृत के समान मीठे लगने। चंचल चतुर चपल, जिस तरह से किसी घड़ी का वेश्या के नेत्र बहुत चंचल होते हैं, चपल होते हैं, चंचल चतुर चपल। छल बल बल अकल, जो छल पूर्वक अपनी बुद्धि की चतुरता से पुरुष को सम्मोहित कर लेती है, उसी तरह से जीव भी माया के विषयों में फंस जाता है। अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, ये विषयों की तृष्णा क्या होती है, अगिन कुटिल ने कोमल, उस गड़िका की तरह होती है विषयों की ये तृष्णा। जैसे गड़िका धन लेकर पुरुष को धक्का दे देती है, वैसे ये संसार के विषय आयु तेज सब कुछ हर लेते हैं, मनुष्य को मृत्यु के मुख में डाल देते हैं। और मृत्यु के समय यह प्राणी शरीर छोड़कर रोते हुए चला जाता है कि मैंने इस जीवन में तो कुछ नहीं किया। आप देखिए संसार में किसी को भी बताइए कि परमात्मा का ध्यान करो, उस ज्ञान को सुनने वाला कौन है,
कोई कोई होगा जिसके हृदय में संस्कार होता है। एक तरफ माया के हथियार हैं, पांचों विषय माया के सबसे बड़े हथियार हैं। उनसे रक्षा के लिए राज्य ने क्या दिया है आपको? ज्ञान और प्रेम का अस्त्र दिया है। ज्ञान का प्राण क्या है? प्रेम। और प्रेम का प्राण है ज्ञान। अकेले कोई सार्थक नहीं होगा। जिस तरह से आप साइकिल चलाते हैं तो दोनों पहिए होने चाहिए। आगे का पहिया निकाल देंगे तो भी साइकिल किसी काम की नहीं, पिछला पहिया पंचर हो जाए तो भी साइकिल किसी काम का नहीं। आप केवल ज्ञान में डूबे रहेंगे, केवल वाणी ही पढ़ते रहेंगे, राज्य का ध्यान नहीं करेंगे तो भी आप शुष्क ज्ञानी बन जाएंगे। आप चौपहिया रट लेंगे, सबको नीचा दिखाएंगे कि मेरे से ज्यादा तुम्हें वाणी नहीं आती, विवाद खड़ा करेंगे और इसमें क्या होगा? आपका हृदय सूना रह जाएगा। इसलिए ज्ञान सत्य को दर्शाता है और प्रेम क्या करता है? प्रेम सत्य को प्राप्त कराता है। आप केवल चितवनी चितवनी करेंगे, वाणी को कहेंगे कि अरे वाणी नहीं पढ़नी है, तो क्या होगा? समाज में अंधविश्वास फैल जाएगा। किस तरह से? कोई सुंदर साथ चितवनी करेगा, उसको कुछ अनुभूति होगी, उसकी आत्मा भले ही पूरी तरह से नहीं जगी है, कुछ राज्य की झलक मिल जाए या उसके कहने से किसी का मनोरथ पूरा हो जाए तो उसके साथ भीड़ लग जाएगी, वह अपनी सिद्धि सबको बताना प्रारंभ करेगा। देखिए, मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ, आपको आशीर्वाद दे दूंगा तो आपका यह काम हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? उसके साथ सुंदर साथ की एक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और उसको साक्षात राज्य मानना शुरू कर देगी। लेकिन जो वाणी पढ़ा रहेगा वो जानता है कि ये गुनाह है, वो जानता है कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, हमें राज्य से प्रेम करना है और उस प्रेम के बदले संसार की कोई चाहत नहीं करनी है, कोई चमत्कार नहीं दिखाना है, किसी को प्रभावित करके स्वयं को राज्य नहीं बनना है, हमें केवल ब्रह्मात्मा बनना है। यह बातें कौन बताएगा? ज्ञान। प्रेम बिना ज्ञान के नहीं ठहर सकता और बिना ज्ञान के प्रेम नहीं ठहरेगा, बिना प्रेम के ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। प्रेम नहीं रहेगा तो हृदय सूना, और ज्ञान नहीं रहेगा तो भटकाव हो जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे साइकिल के दोनों पहिए लक्ष्य तक मिलेंगे, एक साथ रहेंगे तभी काम होगा। आपके पास ज्ञान भी हो जाए, प्रेम भी हो जाए, और किस चीज क्या चाहिए? सर्वसमर्पण। श्री महामत कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, इन भी द्रुहे दोस्ती हक्की, प्यार कर सके सुकर। ईमान इश्क की। ईमान किससे आएगा? वाणी के चिंतन से। इल्म के बिना ईमान नहीं आता। जैसे आप सुंदर साथ जो वंशानुगत नहीं होंगे, वंशानुगत का अर्थ समझते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम तीन पीढ़ियों से हम सुंदर साथ हैं, आपको तारत मिला, आपने अपने बच्चे को दिला दिया, फिर वो बड़ा हुआ, उसने अपने बच्चे को दिला दिया, केवल तारतम की छह चौपाइयां, एक चौपाई रट ले, सुनने को मिल गए, कान में मंत्र फूंक दिया गया, बस उसको याद कर रहे हैं, वाणी का ज्ञान नहीं मिला तो ये प्रवृत्ति होती है। जिनको तारतम भी नहीं मिला वो क्या करते हैं? कहीं हनुमान जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, नवग्रहों की पूजा करेंगे, किसी भी देवी देवता के आगे सिर झुका देंगे। लेकिन जिसको तारतम मिल जाता है, भले ही वाणी न पढ़ता हो, इतना विश्वास तो रहता है कि नहीं, हमारे राज्य सर्वोपरि हैं, अक्षरातीत हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। और जो प्रतिदिन वाणी का चिंतन करता है, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, वो जानता है कि हक नजीक से हरक से अड़ूपटन द्वार, राज्य कहाँ है, प्राण की नली से भी जो निकट है, हर पल राज्य हमारे साथ है। इसलिए आप देखेंगे, मैंने इस दृष्टांत को कई बार चर्चा में कहा है, सीता को रावण धमकाता है कि सीता, मैं स्वर्णमयी लंका का अधिपति हूं, तुम मेरी महारानी बन जाओ तो मेरी सभी रानियां तुम्हारी सेवा के लिए प्रस्तुत रहेंगी, तुम वनवासी राम के पीछे क्यों भटकती हो?
सीता ने कभी आंख उठाकर रावण की तरफ नहीं देखा और क्या कहा कि रावण, संसार का कोई भी व्यक्ति राम का स्थान नहीं ले सकता, वो पिता बन सकता है, पुत्र बन सकता है, भाई बन सकता है, लेकिन मेरा पति नहीं बन सकता। कितनी आस्था है। रावण पुनः धमकाता है कि यदि एक महीने के अंदर तुमने मुझे अपना पति नहीं माना तो तुम्हारे मांस को कटवाकर रसोई घर में पकवाकर राक्षसों को खिलवा दूंगा। सीता को कोई भय नहीं है, रावण उसके शरीर को कटवा करके खिला दे तो भी सीता को भय नहीं है, वो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परीक्षा तो सुंदर साथ की होती है, जब माया का धक्का पड़ता है तो सुंदर साथ के ईमान डगमगाने लगते हैं कि चलो अमुक देवता से काम हो जाता है तो करने में क्या दोष है, घर में राज्य की सेवा भी पधरा देंगे लेकिन दीपावली के दिन लक्ष्मी की भी पूजा कर लेते हैं तो क्या नुकसान हो जाता है। आजकल तो बड़ी बड़ी हस्तियां उपदेश देने लगी हैं कि जब इस माया के संसार में आई हैं तो कभी भी किसी की जय बोलने में क्या नुकसान है, सबकी जय बोलो। आप सोचिए, एक सीता है, मरना स्वीकार है लेकिन राम को छोड़कर रावण की अर्धांगिनी होना स्वीकार नहीं है। आप परमधाम की ब्रह्मात्मा है तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, अटूट ईमान, अटूट विश्वास। विश्वास को ईमान कहते हैं। विश्वास कहां से आएगा, तारतम्बाणी के चिंतन से। श्री महामत कहे ईमान इश्क की, इश्क और ईमान कहां से मिलेंगे, ईमान मिलेगा वाणी से, वाणी के चिंतन से, इश्क मिलेगा चितवनी से। परिक्रमा का चौथा प्रकरण है इश्क उपजे का प्रकरण, उसमें क्या कहा गया है, इनविद साजे जाके बतावे देवरे जीवन, श्याम समाजी साजे जित बैठे चौक वतन। जागने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम कहां मिलेगा, जब राज्य के चरणों का ध्यान करेंगे नख से सिख तक, जो इश्क का स्वरूप है उसको ध्यान में लाएंगे तो आपके अंदर इश्क आएगा। परम धाम क्या है, प्रेम की लीला, और परम धाम का जब ध्यान करेंगे, आप सोचिए आपको अपने घर की याद क्यों आती है, क्योंकि उस घर में आप रहे हैं, उस घर को आपने अपने हाथों से बनाया है, खून पसीने की कमाई लगाई है, तभी तो आपके घर की एक दीवार गिरती है तो आपको कष्ट होता है। आपको यदि आ जाए यह बात याद आ जाए कि मेरी आत्मा परम धाम में राज्य के साथ यमुना जी के जल में क्रीड़ा करती थी, हौज कोसर में के जल में क्रीड़ा करती थी, फूल बाग में घूमती थी, पश्चिम की चौगान में घूमती थी, मानिक पहाड़ के हिंडोलों पर घूमती थी, तो आप उसका ध्यान करते करते उसमें क्यों नहीं डूबेंगे। और यही प्रवृत्ति, जैसे राज्य से ज्यादा मीठा बोलने वाला कोई नहीं है, राज्य से अधिक कोई सुंदर नहीं है, राज्य से अधिक कोई शक्तिशाली नहीं है, किसी से आपकी मित्रता होती है तो किस आधार पर होती है, उसमें कुछ विशिष्टता दिखाई देती है, कुछ विद्वता का गुण हो सकता है, धन का गुण हो सकता है, पद का गुण हो सकता है, रूप की विशेषता हो सकती है, इन्हीं से तो कोई ना कोई किसी के संपर्क में आता है, उसके लिए प्राण देने को तैयार हो सकता है। यदि आपको पता चल जाए कि राज्य से अधिक निकट हमारे कोई नहीं है, राज्य से ज्यादा हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, माता पिता भाई बंधु भी राज्य के बराबर प्रेम नहीं कर सकते, राज्य से ज्यादा सुंदर भी नहीं है कोई, शक्तिशाली भी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में राज्य के बराबर कोई नहीं है, तो राज्य से प्रेम आपका स्वाभाविक होगा। और ये बात कहां से आएगी, आपके अंदर का प्रेम कब बढ़ेगा, जब आप राज्य की चितवनी करेंगे। आपके पास पांच हथियार हैं, इश्क ईमान शुक्र गरीबी सब्र। पहले दो चीज मुख्य हैं, इल्म का चिंतन वाणी का चिंतन आपको ईमान देगा, चितवनी आपको इश्क देगी, और उसके बाद तीन जो आगे गुण है, शुक्र गरीबी सब्र। शुक्र का अर्थ हर पल धन्यवाद है, गरीबी का अर्थ होता है विनम्रता, जो जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है। आप जितने बड़े विद्वान के पास जाएंगे उतनी ही विनम्रता से बोलेगा, और जो छुटवैया विद्वान हर बात में आंखें लाल करके बात करेंगे। जो जितना धनवान होगा, आप जो सच्चा धनवान होगा उसको अपने धन का अनुभव अहंकार नहीं रहेगा, जो सच्चा रूपवान होगा उसके पास ज्ञान का प्रकाश होगा तो सचमुच में उसके पास अहंकार नहीं होगा। शुक्र गरीबी सबर,
सब्र का अर्थ होता है संतोष। मैं अधीन करनी नहीं बांकरे की लाज। जिसके पास ये पांचों निधियां मिल जाए तो उसकी राज्य से दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, उसकी आत्मा जागृत होती है। ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, पहले ईमान चाहिए। यह विश्वास ही हमें समर्पण की तरफ ले जाता है। विश्वास कहां से आएगा? वाणी के चिंतन से। हमारा समाज जब वाणी के चिंतन से रहित हो गया है तभी तो अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। संसार के दूसरे मत पंथ कितनी तेजी से आगे बढ़ गए और हम सुंदर साथ अभी 300 वर्षों में वाणी को इतना नहीं फैला सके कि संसार अच्छी तरह से जान सके कि सच्चिदानंद अक्षरातीत इस संसार में प्राणनाथ के स्वरूप में प्रकट हुए, उनकी वाणी क्या कहती है। आप देखिए अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सारी दुनिया को पता है। कहीं भी कुछ होता है, बड़े बड़े मंदिर उनके होते हैं, दुनिया जान जाती है। हमारे समाज में एक थोड़े से हिस्से में बात फैलती है। क्यों? क्योंकि हमने अक्षरातीत के दिए हुए ज्ञान की गरिमा को नहीं समझा। उस ब्रह्मवाणी की महिमा को हमने समझा होता, संसार को बताया होता, तो आज संसार श्री जी के चरणों में पहुंचा होता। इसलिए विश्वास आएगा वाणी के चिंतन से, चितवनी करेंगे प्रेम आएगा। और जब दोनों गुणों की पूर्णता होगी, दोनों गुण आपके हृदय में प्रवेश करने लगेंगे, तो शुक्र गरीबी सबर का गुण भी आपके अंदर अनायास आ जाएगा। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना योग दर्शन का सूत्र है। समाधि की प्राप्ति कहां से होती है? इस अटूट समर्पण से। आप चितवनी भी कीजिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नई नजर जी। आप किसी भी चीज का अहम न लीजिए, सब कुछ राज्य के ऊपर सौंपिए। तो यही समर्पण क्या करेगा? आपको विरह प्रेम में ले जाएगा। पतिव्रता का समर्पण पति के ऊपर होता है, तभी तो प्रेम की धारा प्रवाहित होती। बिना समर्पण के, बिना विश्वास के प्रेम का बंधन नहीं टूट, नहीं चल सकता। इसलिए जो मूल स्तंभ है जागने का, वो है इश्क और ईमान। दोनों मिलेंगे वाणी के चिंतन और चितवनी से। साथ में जब शुक्र गरिबी सबर मिल जाती है तो आत्मा जागृत हो जाती है। सकल आवदंग साज के दौड़ मिले धनी निज घर। जब आपकी आत्मा के साथ इश्क ईमान शुक्र गरीबी सब्र रूपी अस्त्र शस्त्र मिल जाते हैं तो आपकी आत्मा अपने आराध्य अपने प्राण वल्लभ अपने प्राण जीवन से मिलने के लिए दौड़ लगाने लगती है। इसको कहते हैं सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो बैठा ठाड़ा हुई हो ठाड़ा पाँव भरे आगे सूर्य। और इसी में हमारी जागने की पूर्णता है। राज जी कृपा करें सब सुंदर साथ के ऊपर कि सबकी प्रवृत्ति वाणी के चिंतन में लगे, युगल स्वरूप की चितवनी में लगे, सबके हृदय में विनम्रता आ जाए, शुक्र हर पल राज जी को धन्यवाद देने की प्रवृत्ति आ जाए कि राज जी सब कुछ आप करने वाले हैं। हमें सुख मिले दुख मिले, हर स्थिति में हम संतोष वृत्ति धारण किए रहें, कभी उद्विग्न न हो, क्योंकि जिसने अपना हाथ राज्य के हाथों में पकड़ा दिया होता है उसको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था नन्न चिंतयंतो माम, ये जना परिपास्ते तेसाम योगक्षेमम नित्यम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं अर्थात परब्रह्म का चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम कौन धारण करता है? स्वयं राज्य। आप राज्य का ध्यान करेंगे, राजी तो हर पल आपका ध्यान करते हैं, हर पल आपको देखते हैं। हमारी दृष्टि माया में फंसकर माया के पीछे भाग रही है। इसलिए धनी ने देवे दुख तिल जीता, जो देखिए वचन बिचारी जी, दुख अपन को जो होते हैं सो माया करते भारी जी। हम माया को महत्व देते हैं तो माया हमारे पीछे लगती है, हम दुखी होते हैं। सुख के निधान को अपने दिल में बसाइए तो हर पल आपको सुख ही सुख मिलेगा।